Good evening, dear students, and most welcome at Fill Up Home. This is Sukhwanti Goswami. I take English grammar class at Fill Up Home. Dear students, we have started MCQ series at Fill Up Home. Dear students, this is golden chance for you. You are getting chance here to increase your speed. So which students didn't join till now, come fast, quickly keep on joining. Very good evening, Tina Jain, Santosh Kumar ji, very good evening. Yes, this is leaderboard, and today leaderboard you will get on Monday. Yes students, this is your practice time. You must need to make practice, and you are getting chance to know yourselves how much have you learned and how much have you need to learn. Come fast, dear learner, quickly keep on joining. All these subjects timetable. If you are new students, you can take screenshot. Maths class always at 7, at 10 a.m. and science class 1 p.m. CDB class 3 p.m. EBS class 6 p.m. and now English class time is 7 p.m. और हिंदी क्लास टाइम रहेगा आपका 9 p.m. Yes, students, you are getting crash course here, which will be very helpful for your CTET exam. If you want to crack your CTET exam, you can take crash course. Yes, student, you are getting full course only at WhatsApp. आपको किसी और वेबसाइट पर जाने की नीड नहीं है. वेरी गुड इवनिंग एसके वर्ल्ड स्टूडियो एंड मोस्ट वेलकम एट फिल अप होम. और स्टूडेंट्स, कल आप लोगों को मिल रहा है फ्री ईयरफोन जीतने का मौका, तो ये चांस नहीं छोड़ना है. वेरी गुड इवनिंग स्वाति. चलो, without being late, we start today MCQ series. Yes, first question is on the screen, and quickly quickly keep on joining student. और उम्मीद करती हूँ कि सभी student अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे. और स्टूडेंट्स, एक बार मुझे कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. यस, मेक मी क्लियर. ओके, हाँ, यस. द टर्म comprehensible input is associated with. Comprehensible से रिलेटेड जो, ओके, ठीक है, थैंक यू. तो ये किससे रिलेटेड है आपके? स्टीफन से. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. आज हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. देखते हैं आप लोगों को कितना आता है और कितना आप लोगों को नीड है सीखने की और प्रैक्टिस इंक्रीज करने की. टाइम के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा प्लीज. और सब कुछ अच्छा लग रहा है तो एक बार थम भी कर दें.
यस, टाइम के अकॉर्डिंग आंसर दें और अपनी स्पीड चेक करें कि आपकी स्पीड कितनी हो चुकी है। आप ऑनलाइन एग्जाम में आपकी स्पीड कैसे बना सकते हो ज्यादा? Yesterday, you will read yourself all question and you will give answer according to time. Yes, students, जल्दी जल्दी comments करें. Predicting is sub skill of death. Writing, reading, listening या किसी की भी नहीं. जल्दी से आंसर आना चाहिए था. What happened, students? क्वेश्चन नंबर टू. यस, टीना, संतोष, एसके वर्ल्ड. वेरी गुड इवनिंग सना शेख, सीमा. वेरी गुड इवनिंग. यस, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा प्लीज. क्वेश्चन नंबर टू और सभी लास्ट में मुझे अपने स्कोर बताएंगे और स्पीड इंक्रीज करें. ऑप्शन बी विल बी स्किल ऑफ राइटिंग. वेरी गुड इवनिंग खुशबू, नीलमणि जी. वेरी गुड इवनिंग. चलो अच्छा, एक बार मैं दोबारा से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन मिल सके. चलो कोई बात नहीं, और बाकी जो स्टूडेंट्स उनका रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं थोड़े से. ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनेस्टी से आंसर दीजिएगा. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. क्वेश्चन फर्स्ट, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद. कॉम्प्रिहेंसिबल किससे रिलेटेड है? जेम्स एसर, स्टीफन, नोम चोम्स्की. ओके, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है. ओके चलो, अभी 20 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से दोबारा भी आप लोग आंसर कर सकते हो. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीडिक्टिंग. यस, अभी आपकी है राइटिंग की, सब स्किल ऑफ राइटिंग. सभी के कमेंट्स बहुत बाद में आ रहे हैं.
क्वेश्चन 11 तो अभी आया नहीं है टीना, क्वेश्चन 2 का है क्या? ओके यस, क्वेश्चन 3 बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आर गिविंग करेक्ट आंसर, वेरी गुड, तो सभी के लिए क्लैप तो बनती है, वेरी गुड सभी स्टूडेंट्स के लिए और एक टाइम पर ज्वाइन होने के लिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्लैप है, बहुत खूब। यस, स्पीड भी देखिएगा कि आप कितना जल्दी आंसर दे रहे हैं, विच इज बेस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की स्पीकिंग स्किल को बढ़ाने के लिए ऑप्शन में सबसे बेस्ट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्पीक लाउडली, आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं डू यू नो? इफ यू नो राइट डाउन इन चैट बॉक्स, गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके कोई नहीं, 3 में से आप ऑप्शन चूज कर लें, ठीक है, बिल्कुल सही, आपके लिए आसानी हो गई। टर्म सेमियोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सेमियोलॉजी टर्म किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड की गई? नोम चमस्की, फर्डिनेंड डी सोसा, बोथ या नन? हाँ बिल्कुल सही टीना जैन, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। जिसको नहीं पता है वो भी देख ले एक बार, इस तरह से आप लोगों को आंसर देना आना चाहिए, वेरी गुड। यस, क्वेश्चन 5th, एक तो हम लोगों को क्या तुक्के नहीं लगाने हैं, अगर बोथ मिल गया तो कि 80% देखते हैं कि बोथ हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपका बोथ हो, तो थोड़ा ध्यान से देख लें। नोम चोमस्की से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। यस, खुशबू जी ने, बिल्कुल टीना जैन ने, खुशबू ने बहुत सही आंसर दिया है, वेरी गुड, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। सेमियोलॉजी फर्डिनेंड डी सोसर के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड की गई है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी पता चल गया है, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट एन एम ऑफ लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का क्या उद्देश्य नहीं है, इन ऑप्शन में से आप बताएं। टू डिस्क्राइब्स ओनली डायलेक्ट, ओनली जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसको डिस्क्राइब करना उसका एम नहीं है, या टू स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में बताना, उसकी प्रकृति के बारे में बताना उसका उद्देश्य नहीं है, टू डिस्क्राइब अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को परिभाषित करना एक लिंग्विस्टिक का उद्देश्य नहीं है, इनमें से एक नहीं में आंसर है जो वो बताएंगे। हाँ बिल्कुल, नीलमणि जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। टीना जैन का भी आंसर आ गया है, खुशबू जी का भी आ गया है, वेरी गुड, सीमा का भी आ गया है, बहुत अच्छा। या सना शेख, स्वाति देसवाल, संतोष
एस के जलालुद्दीन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी के लिए मेरी तरफ से वेरी गुड। ऐसे ही करते जाएं टाइम के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, वेरी गुड। फिर है आपका मीनिंगफुल ग्रुप इज कॉल्ड। मीनिंगफुल ग्रुप मीनिंगफुल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिंटैक्स या कुछ भी नहीं? यस, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो इनमें डाउट होने की बात नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी स्टूडेंट टाइम के अकॉर्डिंग, वेरी गुड। मैं भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर देती हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें। स्टडी ऑफ मीनिंग, इसमें से आप बताएंगे स्टडी ऑफ मीनिंग। यस, जल्दी से आंसर दें। वेरी गुड, बहुत, सबसे पहले आंसर आ गया है टीना जैन का, वेरी गुड। यस, ये हम सब कर चुके हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार सभी थम कर दें अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यस, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाए उसके लिए आप लोग लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अ लैंग्वेज इज, एक भाषा क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज स्ट्रक्चरल, लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। सभी ऑप्शन ध्यान से पढ़ लें एक बार। ओके, थैंक यू एवरीवन। सभी ऑप्शन ध्यान से पढ़ लें, देखो एक बार। यस, देखते हैं किसने सही आंसर दिया है। नीलमणि जी, और देखो इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें। यस, कई बार ऑप्शन में ऐसा ही आ जाता है। देखो, अ लैंग्वेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल। लैंग्वेज क्या है आपका? कम्युनिकेशन का साधन है। लैंग्वेज स्ट्रक्चरल अप्रोच है, स्ट्रक्चर सिस्टम से आपको सिखाया जाता है। जहाँ पर आपको लगता है कि दो दोनों चीज़ लैंग्वेज में हैं, तो फिर आप डी की तरफ जाएंगे। हाँ, ध्यान से देखें थोड़ा।
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हो गया और स्ट्रक्चरल भी हो गई, क्योंकि हम सिस्टम से सीखते हैं, पैटर्न से, ठीक है। सो इसलिए ऑप्शन हो गया, कोई बात नहीं। यही होता है जब हमें सब क्वेश्चन थोड़े इजी लगते हैं और हमें आते होते हैं, तो पेपर में हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा 1 मार्क्स जा सकता है। तो माइंड को हमेशा, हाँ कोई बात नहीं, इतना रॉन्ग चलता है, बिल्कुल कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट करके रखना है। यस, ये फनेटिक साउंड आप लोगों को कल समझ नहीं आई, सिंबल्स और साउंड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैं सोच रही थी आप लोगों को समझाने का, लेकिन आप लोगों को कल कुछ समझ नहीं आया था इतना खास, तो आज मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ, लास्ट में आप लोगों को समझाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी, किसी की वजह से भी एक भी मार्क्स कटे, क्योंकि सिंबल्स और साउंड्स के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी आप लोगों को, जैसे बच्चों को सिखाते हैं। यस, तो अब इसका एक सिंबल भी है पीछे जो मुझे लगाना नहीं आया, मैंने आप लोगों को कल बताया था ना, इस टाइप से थोड़ा टी के बाद एक सिंबल भी होता है, बस इतना याद रखना, सी एच का, हाँ सी एच का टी होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आज और भी इजी वे से लेके आई हूँ, लास्ट में कोशिश करूंगी, अगर आप लोगों को समझ आ गया तो। कल आप लोगों का ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, तो इसलिए दोबारा से ये लेके आई हूँ। यस, ये आप जल्दी जल्दी करेंगे, इनमें टाइम नहीं लगाना है। आज के 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बिल्कुल सही अच्छी तरह से, और अभी ये क्वेश्चन आपके थोड़ा क्विक रिवीजन हो जाएगा कि आप लोगों को कितना याद रहता है, पहले दिन का किया हुआ। यस, क्वेश्चन नंबर 12। यस, वेरी गुड इवनिंग सीरत, आई थिंक यू आर न्यू स्टूडेंट एंड मोस्ट वेलकम एट फिलअप होम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके ओके, हाँ सिंदर कौर, यस ओके, आप तो कंटिन्यू स्टूडेंट हो। ओके okay. बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हर रोज क्लास करते हो, थोड़ी सेल्फ स्टडी भी जरूरी है और साथ के साथ अपनी स्पीड बढ़ानी भी जरूरी है, और ये भी चेक करना जरूरी है कि हम लोगों ने जो याद किया है वो हमें कितना याद रहता है। अगर हर रोज ऐसे प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, तो ये चांस आपको छोड़ना नहीं है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। उन बच्चों से आप लोग आगे निकल सकते हो जो बच्चे याद तो बहुत करते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस ना करने की वजह से पीछे रह जाते हैं, जिसको सिर्फ 4-5 नंबर की वजह से पीछे हटना पड़ता है और उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, यही कारण है प्रैक्टिस ना करने के कारण।
देखो काम सबको होते हैं, एक्सक्यूजेज बनाने से काम नहीं चलता। अगर आपने ठान लिया है कि मैंने ये काम करना है तो आपको करना है, टाइम कैसे भी करके मैनेज कर सकते हो। वेरी गुड। यस चलो 16 का क्वेश्चन भी, क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन ए। चलो आज देखो थोड़ा सा अलग वे से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत हर टाइप के एग्जाम में आता है, ठीक है। और एग्जाम्स का पैटर्न बदलता रहता है, जरूरी नहीं है कि जो लास्ट टाइम आया है सेम ऐसा ही आए, ठीक है। थोड़ा इसमें देखो, आपको इंग्लिश में 26 अल्फाबेट मिलते हैं, आप भी ऐसे ही राइट करते जाएं चैट बॉक्स में। अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। और 26 अल्फाबेट्स प्रोड्यूस करते हैं 44 साउंड्स। ओके, ऐसे ही राइट करें। फिर 44 साउंड्स आपकी डिवाइड हो जाती हैं कॉन्सोनेंट में और वाउल साउंड में। ओके, क्लियर? इतना समझ आया? और इनमें से आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो फिर आप लोगों को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप से आप अपना खुद का डायग्राम बनाएं और समझ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे कॉन्सोनेंट डीप और वाउल साउंड हो गए। फिर हमारे वाउल साउंड हैं जो डिवाइड हो जाते हैं टू पार्ट में, मोनोप्थोंग और डिप्थोंग। डाइप्थोंग भी आप लोग बोल सकते हो। डाई का मतलब होता है टू और मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि सिंगल वाउल साउंड और डबल वाउल साउंड भी बोल सकते हो। सिंगल वाउल साउंड को आप प्योर वाउल भी बोल सकते हो, ठीक है। और जैसे डाई टू वाउल साउंड हो गई, तो इनको सेमी वाउल साउंड भी बोल सकते हो, ठीक है। इनमें से मैंने डीपली आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, तो समझ ले। और बाकी रही बात साउंड्स की, आपको कल समझ नहीं आई थी, तो उम्मीद करती हूँ आज आप लोगों को बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझाऊंगी और समझ आ जाएगी। तो देखो आज हम करेंगे साउंड ए, ई, आई और यू। इनकी साउंड क्या क्या होती है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखो ए की साउंड हमारी अ भी हो जाती है, ए भी हो जाती है। तो जहां पर आपकी अ की साउंड आए तो ये सिंबल आता है, ये बता दो बस। इतना समझ आ रहा है क्या? बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी, और आज आप लोगों को बिना समझाए नहीं जाना है, बिना समझे नहीं जाना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। यस, एक बार मुझे बता दें कि इतना समझ आया? यस, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए एक बार जरूर बताएं, और साथ के साथ राइट करते जाएं। अल्फाबेट कितने हैं, साउंड्स कितनी हैं, साउंड्स को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया कॉन्सोनेंट में वाउल में। जल्दी जल्दी राइट करें, आज मुझे आप लोगों को ये समझाना है, ठीक है। मोनो, मोनो का मतलब होता है आपका सिंगल, वन, ठीक है। यस, अब देखो जहां पर आपकी अ की साउंड आए, चाहे वो ओ से आए चाहे अ से आए, ठीक है। तो जहां पर आपकी अ की साउंड आएगी तो ये सिंबल होगा, जहां आपकी अ की साउंड आएगी ये सिंबल होगा, और
जैसे ब्रदर, ब्र अ की साउंड आ रही है इधर पर, हाँ हम ब्रोदर ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन इसकी जो साउंड है वो है ब्रदर। र को भी वैसे हम अ में बोलते हैं ब्रदर, ठीक है। तो अ की साउंड आई तो ये सिंबल हो गया। आपको कई बार ऑप्शन में दे देते हैं कि इसकी सिंबल बताओ, साउंड बताओ, तो अगर आपको एक भी लेटर का पता है कि इसकी साउंड क्या है तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। फिर जहां पर थोड़ी अ की साउंड आती है कम, जहां हम जल्दी से अ बोलते हैं, जिसको हम आधा ए भी बोल सकते हैं, बट जैसे थोड़ी सी साउंड आई बट, तो वहां पर होगा आपका ये सिंबल। एक बार ये बता दो, समझ आ रहा है? जहां पर थोड़ी सी अ की साउंड आएगी तो ये सिंबल होगा, ठीक है। ये आवाज आई तो ये आपका ये सिंबल हुआ। अगर आपकी कहीं पे भी आ की ए और आर से मिलके बनता है आपका, जैसे हमारी संस्कृत में होता है ना विसर्ग लग के, तो जहां पर आपको ये साउंड मिलती है इससे ए आर से ऑफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंबल और ये साउंड, ठीक है, जहां पर आपको ये वाला दिखता है। ई, छोटी ई से ई की साउंड है, जैसे शिप, ठीक है, शिप, और ये हो गया आपका शीप, बड़ी ई हो गई ये साउंड, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, फिर जहां पर आपकी आती है छोटे ऊ की साउंड, छोटे ऊ का ये है आपका सिंबल, क्या है ये सिंबल, ठीक है, छोटे ऊ का सिंबल है ये, जहां पर आपको ये साउंड आए गुड गुड। और बड़े ऊ का सिंबल होगा आपका, जैसे यू होता है हमारा ये शूट, बड़ा ऊ हो गया शूट, ठीक है। और जहां पर ये ए की साउंड है ये आपका साउंड है और सिंबल है। बाकी स्टूडेंट्स भी बता दे, आज समझ में आ रहा है या नहीं। फिर है आपकी ये जिसे हम आई बोलते हैं, ठीक है। वैसे हम साउंड हमें बोलते हैं हम कैट, लेकिन ये साउंड होती है इसकी कैट, ठीक है। ये हमारा हो गया अ और ए, अ और ए कैट, ठीक है। ये इसलिए सिखा रही हूं मैं, अगर आपको एक भी क्वेश्चन आ गया और उनमें से कुछ लेटर्स के साउंड का और सिंबल का आपको पता है तो आप उसमें से वो फाइंड कर पाओगे और फिर आपका मार्क्स बन जाएगा, ठीक है। आज मैं थोड़ी सी साउंड लेके आई हूँ क्योंकि कल आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। अगर इस टाइप से आपको समझ में आ जाएगी तो मैं धीरे धीरे सारी सिखा दूंगी, हर रोज थोड़ी थोड़ी। ओ का आपका ये भी सिंबल है और ये भी सिंबल है, जैसे सी ओ आर टी, ओ आर आए तो आपका ये अह वाला और ये उल्टा सी समझ लो, इस टाइप से सिंबल बन जाएगा, ठीक है। बोट, ओ का सिंबल है। तो अभी जैसे कैट, कैट के आपके इसका सिंबल पूछ लिया बताओ यहां पर, तो आप राइट करोगे, ठीक है। मान लो मैंने ये हटा दिया, अभी आप बताओ इसका सिंबल क्या आएगा, अंडरलाइन कर दिया मैंने, ठीक है, इसका सिंबल बताओ क्या आएगा, कट, छोटा आ की साउंड आ गई, ठीक है। ए आर मैंने पीछे भी सिखा दिया तो आप इसका भी सिंबल राइट करें, ठीक है। ए आर आ गया ये समझ लो अह बन गया संस्कृत की तरह, ठीक है। बर्ड, अ ऊ की साउंड होती है ना, जैसे बर्ड, तो आई और आर का ये सिंबल हो गया और ये साउंड हो गई, ठीक है।
अभी ये आप लोग राइट करो चैट बॉक्स में। कैट ए का सिंबल क्या होगा इधर, कैट को हम कैसे बोलेंगे, अभी बताया है जैसे इसमें, आप इसमें से सर्च करके देख सकते हो कैट ये वाला, ठीक है। कट तो छोटा सा अ, थोड़ा आ बोलेंगे हम, ये सिंबल बनाते जाओ। अच्छा फोन में पता नहीं है कि नहीं, ओके। चलो ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है, समझ आया आज थोड़ा सा, ये बताओ। फिर हम कुछ और आगे क्वेश्चन करते हैं, तब तक बच्चों को समझ ना आए मुझे अच्छा नहीं लगता। कल आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ नहीं आया था, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी। यस बिल्कुल सही, ऐसे करते जाएं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और फिर आप ठीक है। अच्छा ये बता दे, अच्छा लगा आपको या नहीं, साउंड पैटर्न जो मैंने समझाया अच्छा लगा या नहीं, हेल्पफुल है ना। यस नीलमणि जी कहाँ चले गए, ओके सभी स्टूडेंट्स बताएं। जो ये मैंने राइट कर रखा है दिखाई दे रहा है, ओके वेरी गुड, समझ आ गया ना, बहुत अच्छा। यही होता है, मैं बस साउंड देखनी है और सिंबल देखने हैं, थोड़ा सा फिर मैं कल करवा दूंगी, थोड़ा सा उससे नेक्स्ट डे करवा दूंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके देखो इतनी अच्छी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। चलो ये कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं, आप कर लो। मैम का हो गई, मैम तो इधर ही है, ओके। यस टीना जैन, क्या नहीं मिल रहे, सिंबल, ओके कोई बात नहीं, आप अपने नोटबुक में राइट कर लेना, वैसे सिंबल याद रख लेना। इस दोबारा से एक क्लास चला के पॉज करके फिर आप राइट कर लेना। चलो अच्छा है चलो अच्छा, नील जी कोई नहीं, काम आ गया होगा, चले गए होंगे, ओके। ओके ओके चल, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, मॉक टेस्ट कितने स्टूडेंट्स ने किए, आज का मॉक टेस्ट किया या भी करना है, 5 बजे आया होगा।
मॉक टेस्ट करते रहिएगा, प्रैक्टिस करने का जहाँ से भी जितना भी मौका मिले आप जरूर करें। यस, बहुत अच्छा। तो टाइम होगा अभी तक कर सकते हो या नहीं? चलो, ऑप्शन सी। आपके व्हाट्सएप पर जो लिंक आता है ना, उस पे क्लिक कर दो, फिर ज्वाइन हो जाओगी। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ठीक है, 20 भी हो सकता है आपका, 20 भी बोल सकते हो। वेरी गुड, टीना जैन ने सही आंसर दिया है, बाकी लोगों का रोंग हो गया। स्वाति देसवाल का सही है। यस, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 20 बोल सकते हो, क्योंकि 16 हम कर चुके हैं। यस, ये 20 आप बोल सकते हो। क्या शो नहीं हो रहा? आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, सिंबल्स, इमेजेस एंड डायग्राम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ। होमोग्राफ फाइंड। अभी भी आया है आपका एमसीक्यू सीरीज, अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो आ गया ना मैसेज सबके फोन में, अभी मुझे बताओ आया या नहीं। अगर नहीं आया तो इसका मतलब आप व्हाट्सएप में जुड़े हुए नहीं हो। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बीच बीच में आप बहुत अच्छे बच्चे हो। नहीं आया तो इसका मतलब आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए नहीं हो। अच्छा, ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पा रहा। तो अभी मैसेज आ गया सीरत, अभी दोबारा से भेजा है सर ने। चलो ठीक है, फिर सर से बात करते हैं। अगर आप लोग जुड़ नहीं पा रहे, कैसे नहीं जुड़ पा रहे। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। क्लास कैसी लगी एक बार फीडबैक दें, क्वेश्चन कैसे लगे, और मेरा समझाने का वे अच्छा है या कुछ चेंज करना है, यू कैन टेल। ओके ठीक है, आप सबके इन्फॉर्मेशन मैं सर तक पहुंचा दूंगी। ओके ओके, बहुत अच्छा, आपने इसको राइट करते जाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड टीना जैन।
ओके मैम, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट. ओके थैंक यू. अच्छा मैसेज आता है जो नहीं हो पाते. सीरत फिर आप टेस्ट ज्वाइन करते हो? टेस्ट आ गया तो आज हो सकता है आप लोगों को लेट भी जाओ. अभी आया है जस्ट. ठीक है देख लो, कोशिश करो. नहीं होता तो फिर बताना, फिर हम मंडे से देखते हैं और कुछ बोलते हैं सर को. ठीक है. ग्रेट टीचिंग मेथड मैम, थैंक यू इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए. बहुत अच्छा. थैंक यू एवरीवन. बाय.